बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम मुनज़्ज़ा नौमान फ्रॉम ईजी इंग्लिश एंड टुडेज़ टॉपिक पर्सोनिफिकेशन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. द नेम इज़ बिट डिफ़िकल्ट बट वैन वील प्रोसीड अहेड यू विल फाइंड आउट दैट हाउ ईजी इट इज़. आप खुद से गेस करेंगे कि वॉट डज इट मीन एंड वॉट इज़ इट. पर्सोनिफिकेशन, पर्सन लाइक क्वालिटीज़. फर्स्ट वन, एंग्री सन. कभी आपने कोई ऐसा सूरज देखा जिसको बहुत गुस्सा आ रहा हो? हैव यू एवर सीन एन एंग्री सन? हैप्पी कार. हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ हैप्पी कार? हाउसेज आर लुकिंग टूवर्ड्स द पीपल. देखिए, घरों की आंखें हैं और वो लोगों की तरफ देख रहे हैं. सन इज स्माइलिंग बिहाइंड द क्लाउड्स. ऊपर सन को गुस्सा आया हुआ था और अब सन बहुत खुश हैं और बादलों के पीछे से मुस्कुरा रहे हैं. देखिए, स्माइलिंग, लुकिंग, हैप्पी, एंग्री, ये ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ हैं. दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. एंड वेन द क्वालिटीज और द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर गिवन टू नॉन ह्यूमन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज़ नोन एज पर्सोनिफिकेशन. जब ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ नॉन ह्यूमन को दे दी जाएँ या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को दे दी जाएँ, तो इस लिटरेरी डिवाइस को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. ये एक राइटिंग टेक्निक है और राइटर्स यूज दिस टेक्निक फॉर गिविंग द स्पेशल इफेक्ट और फॉर मेकिंग देयर व्यूज सॉलिड, फॉर क्रिएटिंग द इंटरेस्ट, फॉर इंक्रीजिंग द इम्पैक्ट. राइटर अपनी राइटिंग में ये टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि रीडर उससे ज़्यादा लुत्फानंदोज़ हो, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो. सो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है, दैट पिज्ज़ा इज़ इन्वाइटिंग मी. अब इस सेंटेंस को यूँ भी कहा जा सकता है कि आई वॉन्ट टू ईट पिज्ज़ा, लेकिन पिज्ज़ा इज़ इन्वाइटिंग मी. इन्वाइट तो पिज्ज़ा नहीं कर सकता ना. अब पिज्ज़ा कैसे कहेगा कि साथ आएँ, आके मुझे खा लें? नहीं कह सकता. सो लिटरेरी डिवाइस जो इसमें यूज़ हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन. सो पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड टू सीम लाइक पीपल. सेकेंड वन, पेंसिल इज़ अप्रिशिएटिंग मी टू राइट वेल. पेंसिल तो इन्वाइट नहीं कर सकती, वो तो अप्रिशिएट नहीं कर सकती. सो पेंसिल अप्रिशिएट कर रही है. इस सेंटेंस को यूँ भी सिंपल कहा जा सकता है कि द क्वालिटी ऑफ द लेड ऑफ द पेंसिल इज़ वेरी फाइन, आई एम राइटिंग वेरी ब्यूटीफुल विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस पेंसिल. बट पेंसिल इज़ अप्रिशिएटिंग मी टू राइट वेल, जो लिटरेरी डिवाइसेस में यूज़ हुई पर्सोनिफिकेशन. साथ लव इज़ कॉलिंग एनाज नेम. अब साथ तो एना का नेम बुला सकता है, लेकिन साथ लव इज़ कॉलिंग. सो पर्सोनिफिकेशन, लिटरेरी डिवाइस, लव एक ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एक इमोशन है, नॉन लिविंग इमोशन, और लिविंग बीइंग की क्वालिटी कॉलिंग इसको जो दे दी गई, इट मींस के पर्सोनिफिकेशन डिवाइस इसमें यूज भी. एनाज लव वॉज वेटिंग फॉर साथ. एनाज लव, एना कैन वेट बट एनाज लव इज़ वेटिंग हियर. सो पर्सोनिफिकेशन. वेरी इंटरेस्टिंग. द डिश रैन अवे विद द स्पून. डिश कभी भाग सकती है, लेकिन वो स्पून के साथ भाग गई. इसका मतलब है कि नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी यहाँ पर इस सेंटेंस में दी गई, रैन अवे. ट्री इज़ वेटिंग फॉर स्प्रिंग. ट्री इज़ वेटिंग फॉर स्प्रिंग सीजन. अब ट्री जो वेट कर रहा है, तो वेट करने की क्वालिटी ह्यूमन बींग की क्वालिटी है, जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ट्री को यहाँ पर दे दी गई. तो लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज़ हुई? येस, यू आर राइट, पर्सोनिफिकेशन. चॉकलेट लॉली इज़ इंजॉइंग माई कंपनी. यानी कि आई एम हैप्पी टू हैव अ चॉकलेट लॉली, दैट इज़ अनदर थिंग, बट चॉकलेट लॉली इज़ इंजॉइंग माई कंपनी. चॉकलेट मेरे साथ रह के खुश है. आइसक्रीम इज़ टेम्पटिंग मी. आइसक्रीम मुझे टेम्प्ट कर रही है, मुझे अपनी तरफ बुला रही है. हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट मीन्स लिटरेरी डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन. द अरोमा ऑफ कॉफ़ी इज़ कॉलिंग अस. कॉफ़ी की खुशबू हमें बुला रही है. अगेन, द सेम स्टेट, द सेम क्वालिटी, द सेम डिवाइस. ब्राइट स्टार इज़ सेलिब्रेटिंग माई सक्सेस. स्टार देखें, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है और सेलिब्रेटिंग ह्यूमन क्वालिटी इसको दे दी गई, पर्सोनिफिकेशन. द स्काई स्क्रेपर्स आर किसिंग द स्काई. अब द बिल्डिंग्स आर वेरी हाई, द बिल्डिंग्स आर नियर टू स्काई, और स्काई स्क्रेपर्स आर किसिंग द स्काई, आसमान को छू रहे हैं. जुमला वही है लेकिन इसमें चेंज हो गया. नेक्स्ट वन, नॉर्थ विंड. नॉर्थ विंड ट्राइज टू स्ट्रिप द क्लॉक ऑफ अ ट्रेवलर. एसोप्स फेबल. एसोप्स फेबल आपको पता है कि ग्रीक राइटर है और स्टोरी टेलर है, और स्टोरीज़ में और लिटरेचर में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, कि जो शुमाल की हवा है वो उस मुसाफिर के कपड़े फाड़ देने को है.
अब देखिए, नॉर्थ विंड ट्राइज टू स्ट्रिप द क्लोक ऑफ ऑफ अ ट्रेवलर्स, एसोप्स फेबल से ये सेंटेंस लिया गया है और इसमें भी पर्सोनिफिकेशन डिवाइस यूज़ हुई है। स्टोरीज में यूज़ होती है, लिटरेचर में, फिक्शन में, ड्रामाज में, मूवीज़ में, फोम्स में। ऊपर हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि डिश रैन अवे विद द स्पून, दैट सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द नर्सरी राइम हे डिडल डिडल, और फोम्स में इसकी एग्जाम्पल आपने देखी। और दैट वॉज अ कम्प्लीट लेसन। सो पर्सोनिफिकेशन, जस्ट आई थिंक सो यू एंजॉयड इट वेल। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप एक्सेलिंग, टेक केयर।